कोरोना काल के दौरान जीव जंतु व बेजुबानों के सामने लॉकडाउन के चलते खाने पीने सहित अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर ब्लॉकवार पशु पक्षी प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं, जो पशुओं को चारा और पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही बेजुबान पशु पक्षियों के लिए स्थान चिन्हित कर वॉलंटियर्स द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ने परिवार सहित प्रशासनिक अधिकारियों व समाज सेवियों के साथ वन विहार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों के हेतु खाना, दाना पानी व चारे की व्यवस्था करवाई। उन्होंने बताया कि 100 किलोग्राम केले, चने, तरबूज, आम, रोटी व अन्य वस्तुओं को बंदरों व अन्य बेजुबानों को खिलाया। पशु पक्षियों के इस नेक काम से जुड़े हुए समाज सेवी वॉलंटियर व प्रशासनिक अधिकारी भी साथ रहे और उन्होंने बंदरों व अन्य जानवरों को अपने हाथों से फल आदि खिलाए। इस अवसर पर एडीएम की धर्मपत्नी और बेटे ने भी बंदरों को चने व केले खिलाए। उन्होंने बताया कि पशु पक्षी प्रेमी रामू चौधरी इस काम को बहुत पहले से कर रहे हैं और उनके पिता भी इसी प्रकार के सामाजिक सरोकार और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए कार्य किया करते थे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से प्रेरित होकर उन्होंने यह बेजुबान सेवा का कार्य और लगन और उत्साह से आगे बढ़ाया है। बेजुबान जीवों की रक्षा और सेवा मानव का सबसे बड़ा धर्म है। एडीएम नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि बेजुबानों की सेवा करने का परिवार सहित सुअवसर मिला और आत्मसंतोष की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि बेजुबान जीवों की रक्षा और सेवा मानव का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने बताया कि महाराणा स्कूल, वन विहार, तालाब शाही, बसेड़ी में भूतेश्वर महादेव मंदिर, बंद बारेठा, तिमनगढ़ का किला, छावनी हनुमान मंदिर, झील का बाड़ा, सागर झील, निबी तालाब, रामबाग, वन विहार, आंगई बांध सहित बाड़ी के अन्य स्थानों पर बेजुबानों की सेवा के लिए केला, दाना, चारा व पानी अपने स्तर से सेवा कार्य करते रहे। एसडीएम एडीएम ने कोरोना के समय में गाय, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, मछली, गिलहरी, तोता, चिड़िया, बतख, चील, बंदर, भालू सहित अन्य कई जानवरों को सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया था। बेजुबान जानवर भी इन दिनों खाने के लिए भटक रहे हैं। इन जानवरों की देखभाल के लिए कई सामाजिक संस्थाएं व समाज सेवी सामने आए हैं। जिले में बेजुबान की सेवा के लिए रामू चौधरी ने भी लगन और उत्साह से कार्य किया है, जो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कोई मवेशी घायल हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो उनका उपचार हेतु सूचना दे। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में पशु पक्षी प्रकोष्ठ गठित कर बेजुबानों की सुध ली जा रही है। यदि अचानक कोई जानवर आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसकी स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण न हो, इसके लिए कार्य करें। इंसान तो अस्पताल चला जाता है लेकिन ये बेजुबान वहाँ दर्द से तड़पते रहते हैं। हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन घायल जानवरों का इलाज की सूचना देने में मदद करें व खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध करावें। उन्होंने अपील की है कि कोरोना काल के चलते सजगता बरतें और लॉकडाउन में मानवता का परिचय देकर बेजुबान पशु पक्षी जहां भी दिखें उन्हें भोजन जरूर कराएं। बेजुबान जानवरों को इस दौरान जितना हो सके उतनी मदद करें। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, एडीएम ऑफिस बाड़ी के राकेश शर्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा के निखिल बंसल, नगर परिषद के लोकेश गर्ग, पंचायती राज के प्रमोद शर्मा, समाजसेवी प्रमोद शर्मा, अशोक शर्मा, कलेक्ट्रेट के आनंद सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।